कि क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छा आदर्श माहौल, आइडियल कंडीशन क्रिकेट के लिए आप देख सकते हैं। फेथ का एक खूबसूरत ग्राउंड, इसका उद्घाटन लास्ट ईयर 2020 में जहीर खान के द्वारा किया गया था। अर्जुन तेंदुलकर इस ग्राउंड पर खेल चुके हैं, वेंकटेश अय्यर जो इंडियन टीम में अभी खेल रहे हैं वर्तमान में, वो भी इस ग्राउंड पर खेल चुके हैं। और आज एक बड़ा माहौल, बड़े प्लेयर्स इस मुकाबले को खेलते हुए। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल मिस टाइम कर गए वहां पर, और अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। हेलो हेलो हेलो, पांच ओवर की समाप्ति पर यूट्यूब पर लाइव भी हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी बीच आखिरी बॉल इस ओवर की, बहुत बढ़िया स्लोवर डिलीवरी थी, पूरा फायदा उठाया, छह रन के लिए जबरदस्त छक्का मिडॉन के ऊपर से, और निश्चित रूप से विकेट की भरपाई करते हुए एसएस भोपाल के दोनों ही बल्लेबाज, और स्कोर बढ़कर पहुंचा 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक गुजरता हुआ, लेकिन लास्ट बॉल पर ये छक्का लगाया और निश्चित रूप से 12 रन एक अच्छी शुरुआत कहेंगे एसएस भोपाल के लिए। स्टार इंदौर अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी, देखना होगा यहाँ से किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं एसएस भोपाल के प्लेयर। आज हम लाइव है एफसीसी भोपाल से, मध्य प्रदेश का जाना वाना नाम, बहुत बड़ा ग्राउंड, बड़े बड़े प्लेयर्स यहां से निकलते हैं, नए युवा भी यहां पर ट्रेनिंग करते हुए। रन पहले ही ओवर में, हालांकि एक विकेट जरूर खोया है उन्होंने, लेकिन सात ओवर का मुकाबला है, तेज बल्लेबाजी की आवश्यकता। और अभी तक जो भी टीम टॉस जीतती है पहले फील्डिंग का फैसला लेती है। अब ये देखना होगा इंदौर के लिए ये फैसला कहां तक सही जाता है। इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल, पटकी हुई बॉल थी, ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल थी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी। बहुत अच्छा माहौल क्रिकेट के लिहाज से दोनों ही ग्राउंड पर मुकाबले चलते हुए। ये तिरंगा झंडा आप देख सकते लहराता हुआ, और इसी बीच बॉल जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, अच्छी फील्डिंग की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे, और एम्पायर रहली का इशारा चार रन के लिए, लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए 16 रन अभी तक एक विकेट के नुकसान पर। देखना होगा कहां तक स्कोर को ले जाते हैं हमारे साथी कमेंटेटर इकबाल भाई, बताएंगे दूसरे ग्राउंड का क्या स्कोर है। हकीमी लीजेंड्स पांच ओवर तीन गेंद 76 रन तीन विकेट के नुकसान पर। हकीमी लीजेंड का स्कोर पांच ओवर तीन गेंद 76 रन तीन विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया वहां पर फील्डिंग, आंखों ही आंखों में इशारा करके रन चुरा लिया, डायरेक्ट हिट होता तो जोखिम हो सकता था। बहुत अच्छी रनिंग वहां पर, शायद चोटिल हुए हैं थोड़ा सा गेंदबाज, फील्डर चोटिल हुए हैं। हमारी जो फार्मासिस्ट की टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, तुरंत मदद के लिए जाएं, इंजर्ड हुए हैं वहां पर फील्डर, फर्स्ट एड की आवश्यकता। Growing company Dard Go, ab raho har pal khush.
फील्डिंग में उनको चोट आई है, इसलिए सब्स्टिट्यूट फील्डर वहां पर उनकी जगह फील्ड करेंगे। इंदौर चोटिल हुए वो, बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले से, एक अच्छा मुकाबला। इसी बीच शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, सीधा फील्डर के हाथ में दे मारा और एक और विकेट का पतन। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन फील्डर के हाथों में दे मारा और एक और विकेट का पतन एसएस भोपाल के लिए। बड़ा विकेट कुसे, जो कि पिछले मैच में निजी स्कोर 42 रन बनाए थे उन्होंने, अपनी टीम को बड़ा स्कोर की तरफ ले गए थे। और इस 7 रन बनाकर आउट हुए। मैं बता दूं आपको, पहले मैच इन्होंने खेला था, उन्होंने 42 रन बनाए थे, अपनी टीम को बहुत मजबूत कर आए थे। मुस्तफा मलक आए हैं आउट होने पर, कुसे आउट होकर आए हैं मुस्तफा मलक। अब मुस्तफा गए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा अपनी टीम एसएस भोपाल के लिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और निश्चित रूप से हकीमी लेजेंड्स का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हकीमी लेजेंड्स आखिरी ओवर हकीमी लेजेंड्स के लिए 79 रन। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल भाई, दोनों ग्राउंड का स्कोर लगातार अपडेट करते हुए। और अब यहां से देखना होगा एसएस भोपाल किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में दोनों ही बल्लेबाज मैदान में हैं, फजल और मुस्तफा बल्लेबाजी करते हुए। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर एसएस भोपाल का स्कोर है। और राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे स्टार इंदौर के गेंदबाज। एक अच्छा विकेट अभी इनको मिला, एक चतुराई भरी गेंदबाजी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, सीधा फील्डर के हाथों में दे मारा। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, जब तक बल्लेबाज समझते बॉल थर्ड विंड बाउंड्री की तरफ गई। और अच्छी रणनीति, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, खराब बॉल का इंतजार कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। दोनों ही काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, शैली बहुत ही आक्रामक है दोनों की। थोड़ा सा आई सेट करने के लिए समय लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब यहां से देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं एसएस भोपाल। बहुत बढ़िया, हल्के हाथों से खेला, जब तक फील्डर फील करता एक रन आसानी से पूरा किया। बहुत अच्छी रणनीति, मिडल ऑफ बैट खेल रहे हैं। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर बहुत ही बढ़िया स्कोर चलता हुआ। एक अच्छा माहौल क्रिकेट के हिसाब से, सभी प्लेयर्स की फिटनेस काबिले तारीफ। और जो राजमा इस मेहनत करते हुए किसी कैसे भी करके मुकाबले को जीतना है। इंदौर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए, मैदान से बाहर आते हुए स्टार इंदौर के प्लेयर। बुरहानी प्रीमियर लीग का ये मुकाबला, आज का टूर्नामेंट का ये मुकाबला, अभी तक जितने भी मैच हुए हैं सभी मैच आखिरी ओवर तक गए हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन सभी टीम्स के द्वारा, पूरे भारत से, सभी राज्यों से टीमें यहां आई हुई हैं। एक अच्छी पहल बोहरा समाज की, अनुशासन के साथ ये टूर्नामेंट और सभी प्लेयर्स की प्रतिबद्धता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप। बहुत बढ़िया, पहली ही बॉल लेग स्टंप के ऊपर आउटसाइड है, 4 रन का इशारा एम्पायर अली के द्वारा लेग स्टंप के ऊपर। पहला ओवर भी इनका काफी महंगा साबित हुआ था, लेकिन वापसी की थी इन्होंने, 4 वाइड इन्होंने फेंकी थी पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी। और अब यहां से देखना होगा गेंदबाज क्या करते हैं। थोड़ा सा दबाव, मेंटली प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, पहले ही बॉल पर 4 रन। बहुत बढ़िया, फिर से लेग स्टंप पर फ्लिक किया हल्के हाथों से और एक रन वहां पर आसानी से पूरा किया। अच्छी रणनीति के साथ खेलते हुए 2 बॉलों पर 5 रन आ गए हैं। 24 रन 24 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इज गोइंग ऑन।
दोनों ही ग्राउंड पर मुकाबले चलते हुए एफसीसी वन और एफसीसी टू वहां पर भी काफी रोमांचकारी मुकाबला चलता हुआ। अब लेफ्ट हैंडर का मुकाबला करेंगे गेंदबाज इंदौर के स्टार 11 के गेंदबाज। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश सीधी मिड ऑफ पर, फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट। बहुत अच्छी रणनीति, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, खराब बॉल का इंतजार कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। बहुत बढ़िया स्लोअ डिलीवरी थी, फील्डर वहां मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से गेंदबाज सोची समझी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए। हमारा अगला मैच मुफद्दल टाइगर नीमच और सेफी टाइगर भोपाल के बीच होगा। आके टॉस करा लें दोनों टीमों के कैप्टन मुफद्दल टाइगर नीमच और सेफी टाइगर भोपाल। और ग्राउंड वन पे होगा बीसीसी अमरावती वर्सेस एमबी टाइगर राजकोट के बीच। बीसीसी अमरावती और एमबी टाइगर राजकोट के बीच पहले ग्राउंड पर इस मैच के बाद होगा। आके टॉस करा लें। धन्यवाद इकबाल भाई, दोनों ही टीमों से अनुरोध है जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं और टॉस करा लें, क्योंकि समय का अभाव है, समय का विशेष ध्यान रखना है, बहुत मैच बाकी है आज। और इसी बीच स्लोअर डिलीवरी, जो लास्ट डिलीवरी थी काफी स्लोअर डिलीवरी थी वो, बहुत बढ़िया कट किया है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन ओवर थ्रो से एक रन नहीं रोक पाए और एक रन पूरा किया। और ये ओवर स्टार 11 इंदौर के लिहाज से बहुत ही किफायती और स्कोर बढ़कर पहुंचा 27 रन। Construction Company, author
बल्लेबाज है और उतना ही तगड़ा शॉट, स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 रन 53 पांच ओवर की समाप्ति पर। अभी भी 12 बॉलों का खेल बाकी है। 53 रन बहुत अच्छी शुरुआत, ये दो छक्के जो लगाए हैं निश्चित रूप से एसएस भोपाल का मनोबल बड़ा होगा और रन गति निश्चित रूप से बड़ी। 12 बॉल अभी भी शेष। सेफी वेरिएशन इंदौर दूसरे ग्राउंड पर मैच चल रहा है। एक ओवर 4 रन 3 खिलाड़ी आउट। ताहिर जमादार जिन्होंने एक ओवर में 4 रन देकर 3 सफलता हासिल करी, हैट्रिक, पहली हैट्रिक ताहिर जमादार। बढ़िया, अभी 12 बॉलों का रोमांच बाकी। 53 रन एसएस भोपाल का स्कोर और अगर 2 ओवर में 30 से 40 रन आते हैं तो फिर क्या कहने एसएस भोपाल के लिए। और स्टार 11 की बल्लेबाजी भी काफी मजबूत है। गेंद और बल्ले से एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ, दोनों ही टीमें जोर आजमाइश करती हुई, सभी टीम सबने मुकाबले जीतने की कोशिश करती हुई। और अभी कुछ ही देर पहले एफसीसी 2 ग्राउंड पर हमारे इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बनी है। इसी बीच स्टार 11 बहुत बढ़िया पहली बॉल हवाई यात्रा की ओर और एक कैच हो सकता था, बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था लेकिन निश्चित रूप से हाथ से निकल गई। लेकिन 6 रन बचाए वहां पर। बीसीसी अमरावती और राजकोट, एमबी टाइगर राजकोट दोनों के कैप्टन आ जाएं और टॉस करा लें। बीसीसी अमरावती और एमबी टाइगर राजकोट दोनों कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए, टॉस करा ले। बीसीसी अमरावती और एमबी टाइगर राजकोट बिल्कुल। और ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ और अभी छठवां ओवर ये प्रगति पर है। 3 विकेट का नुकसान हुआ है एसएस भोपाल को। आपको जानकारी दे दे, एसएस भोपाल और स्टार 11 इंदौर के मध्य मुकाबला और अमरावती के कैप्टन जहां गए हो कमेंट्री बॉक्स पर है। अमरावती, बीसीसी अमरावती, बीसीसी अमरावती के कैप्टन टॉस करा ले आगे। बीसीसी अमरावती और आगे के हाल के लिए हम आमंत्रित करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी को। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, आगे का हाल आपको सुनाएंगे। फिलहाल ग्राउंड नंबर 2 पे हैट्रिक देखने को मिली है। ताहिर जमादार ने ये कार्य किया है बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से मैं विकास, आपने आवाज रेडियो और टेलीविजन पे भी सुनी होगी। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, इस समय अब तक 56 पारी के समय, बात करें छठे ओवर से बीच मैदान में खेल रहे हैं इस समय फैसल यूसुफ और फजल हुसैन, बेहतरीन बल्लेबाजी एसएस क्रिकेट क्लब के। क्या कहने, लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। क्या बेहतरीन शॉट है समय वाइड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से। फैसल यूसुफ का ये तेवर है खेलने का। तीसरा छक्का इस समय, 26 रन पे फैसल पहुंच गए। फैसल यूसुफ 7 गेंदों में 26 रन की क्या बेहतरीन पारी, 62 टीम को पहुंचाए 3 विकेट के नुकसान पे एसएस क्रिकेट क्लब भोपाल। फिलहाल हमारे अंपायर आशीष मिश्रा जी का वाइट का इशारा, नो बॉल का इशारा, डिसीजन उन्होंने तब्दील की और बहुत अच्छी अंपायरिंग नजर आई है अभी तक यकीनन तौर पे। अगली गेंद फ्री हिट होगी। 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे फ्री हिट। 2015 में यह डिसीजन लिया था आईसीसी ने, किसी भी तरीके के नो बॉल हो। दुबई में जब आईसीसी की बैठक हुई थी उसके बाद से यह डिसीजन लिया गया था। फिलहाल क्या कहने, लाजवाब शॉट,
That's time. Hills, hills, and high. What a terrific shot for six more run. Faisal Yusuf here at the medal fire. Nine ball face, 32 run. What an aggressive inning. पांच छक्के शामिल है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस समय फैसल यूसुफ भोपाल 69 रन पे छठे ओवर में। ये भोपाल का तेवर है जनाब, क्या कहने। हेलो हेलो, सेफी वेरियस इंदौर, दो ओवर 6 रन, 3 खिलाड़ी आउट, 30 बॉल में 85 रन बनाना होंगे सेफी वेरियस इंदौर को ये मैच जीतना है, तो 30 बॉलों में 85 रन। अमरावती ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया। अली भाई ने जैसे बताया, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी 6 रन के लिए। आज लगता है जो सबसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह के नाम T20 में, 12 गेंदों में 50 रन उनके नाम है, क्या उस आंकड़े को तोड़ पाएंगे। एक नया इतिहास बनाने की ओर बढ़ रहे हैं फैसल यूसुफ। 10 गेंदों में 38 पे पहुंच गए, अगर दो गेंदों में दो छक्के लगाते हैं तो युवराज सिंह के स्कोर की बराबरी करेंगे फैसल यूसुफ। स्कोर पहुंचा है टोटल 75 रन, 75 तीन विकेट पे। क्या शानदार 6 ओवर में 75, बेहतरीन बल्लेबाजी की झलक नजर आई है फैसल यूसुफ। नाम के चक्रवाती तूफान को नहीं रोक पा रहे हैं, क्या शानदार अंदाज में बल्लेबाजी। इंदौर के निस्तनाबूद कर रहे अपनी गेंदबाजी यूनिट को, फला देखना होगा इस समय। आखिरी ओवर का खेल आना बाकी। पुराने प्रीमियर लीग एक नए आयाम, एक बेहतरीन स्थिति में रोमांच किस कदर अपनी आगोश में लिया हुआ फेद का ये खूबसूरत मैदान। और अब मैं भी कहा था, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। 10 गेंदों में 38 रन बनाकर खेल रहे हैं फैसल यूसुफ, और साथ ही बल्लेबाज है इस समय फजल हुसैन। हमारे दोनों स्कोरर बड़ी कमाल की स्कोरिंग अभी तक देखने को मिली है। इंदौर स्टार 11 स्टारों को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं भोपाल के हमारे जबाज शर्मा। फिलहाल 6 ओवर में 75 पे 3। खेला गेंद को इस समय कैच कर लिए गए, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे विकेट मिलता हुआ इस समय 75 रन पे चौथी कामयाबी। 7वें ओवर का खेल जारी। अली भाई और उनके पूरे टीम ने क्या शानदार मेहनत की है, तभी जाके इतना खूबसूरत आयोजन देखने को मिलता है। फिलहाल बुरहाने प्रीमियर लीग बुरहान गार्ड्स की पूरी टीम शानदार अंदाज में इस इवेंट को होस्ट करते हुए। फजल ने भी अच्छी बैटिंग की। फिलहाल 6 ओवर 1 गेंद में 75 रन बन चुके हैं। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं बल्लेबाज फैसल यूसुफ। एक बड़ा नाम, क्या तेवर जाहिर किया आज इस बल्लेबाज ने। 10 गेंदों में 38 पे खेल रहे हैं, ये दहशत है इस बल्लेबाज का। एक बार फिर से तोहफे में रन, नो बॉल का इशारा अंपायर आशीष मिश्रा का, और रन आएंगे यहां से बहुत ही तेज गति से रन आगे बढ़ते हुए। 80 रन स्कोर बोर्ड पे, अगली गेंद फ्री हिट है। फैसल नाम के तूफान के आगे मुश्किल में नजर आ रही है टीम इस समय। फैसल यूसुफ, एक मोहम्मद यूसुफ हमने नाम सुना है, एक बड़ा खिलाड़ी, लेकिन ये फैसल यूसुफ है। बेहतरीन गेंद इस बार बीट किया, हल्के से गुड लेंथ पे टप्पा खाई गेंद, क्रॉस बैटेड स्विंग करना चाहते थे, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। बाउंड्री पे ज्यादातर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे देखे जा सकते हैं ज्यादातर खिलाड़ी।
पांच खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे हैं, शॉट ऑफ द लेंथ गेंद, चेंज ऑफ पेस, नकल बॉल, गति परिवर्तन इस बार बीट किया बल्लेबाज को। फिलहाल 80 रन पारी के शब्द। सातवें ओवर का खेल जारी। बुरहाने प्रीमियर लीग क्या कहने इस आयोजन के, पूरा हिंदुस्तान आज एक मंच में है। इस समय वाइट का इशारा, एक बड़ा ओवर आता हुआ। अब्दुल कादिर बॉलिंग कमान पे हैं। देखना होगा इस समय 81-81 81 रन है स्कोर बोर्ड पे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप पार्टिसिपेंट विकेट, स्क्वायर लेग। हवाओं का बहुत असर होता है क्रिकेट में और दोनों मैदानों पे ये मुकाबले संचालित हो रहे हैं बुरहाने प्रीमियर लीग के। छोटी गेंद, क्या कहने, एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया 6 रन के लिए। 14 गेंदों में 44 पे पहुंच गए हैं फैसल यूसुफ। ये तूफान आज रुकने का नाम नहीं लेता हुआ यकीन तौर पे। अपने हाफ सेंचुरी से महज 6 रन दूर हैं। 87 टीम को पहुंचाए फैसल यूसुफ, पहुंचे 44 पे। बॉल पहुंचा दी जाए वहां से। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से निवेदन है कृपया बॉल पहुंचा दें। जल्द से जल्द बॉल पहुंचाएंगे क्योंकि वक्त का विशेष, आज बहुत सारे मुकाबले होने हैं। 2 गेंदें आनी बाकी है इस ओवर की। क्या शानदार फैसल यूसुफ खेल रहे हैं आज। 44 रनों में 6 छक्के शामिल हैं इनके और 1 चौका। हमारे स्कोरर की भी तारीफ करनी होगी, बहुत पैनी नजरें हैं इनकी। 2 गेंदें आनी बाकी है। इस इनिंग के, देखना होगा इस समय फैसल यूसुफ। बहुत उम्दा बल्लेबाजी देखने लायक। छोटी गेंद, एक और 50 रन पूरे कर लिए फैसल यूसुफ ने। क्या कहने, क्या बेहतरीन पारी, लाजवाब। ये भोपाल के हमारे शर्मा है। 15 गेंद में 50 रन, व्हाट अ टेरिफिक नॉक। बहुत ही शानदार पारी फैसल यूसुफ की। टीम को पहुंचा दिया 93 रनों पे 93 रनों पे। फैसल यूसुफ नाम का तूफान अब रुकने का नाम नहीं लेता हुआ। और क्या शानदार आयोजन बुरहाने प्रीमियर लीग सीजन 2 की। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल हो सकती है ये। फिलहाल टारगेट जो है मैच को जीतने के लिए 94 रन बनाने हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे इकबाल भाई उस मैदान के सूरत हाल से अवगत कराएंगे। इकबाल भाई, ग्राउंड नंबर 2 की क्या सूरत हाल है? इकबाल भाई,
हमारी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं, यूसुफ भाई, अली भाई, साथ ही साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग मेंबर मुकद्दर भाई, मोइस भाई और पूरी टीम, मुर्तजा भाई, इकबाल भाई और हमारे स्कोरर भी बेहला भाई। ये नेले पे देहला है, इनका नाम है बेहला। बहुत ही शानदार अपने भूमिकाओं को चरितार्थ करते हैं। लीजिए, सेकंड इनिंग की शुरुआत होने वाली है। हवाओं के झोंकों ने आज क्या माहौल, अब्बास और पहले ओवर की कमान लेकर आ रहे हैं हुसैन। देखना होगा हुसैन की क्या रणनीति रहती है। बेहतरीन माहौल इस समय देखने को मिलता होगा। चौरानवे रन की दरकार है 42 गेंदों में। शानदार माहौल खेल के लिए इस समय। देखिए पहली गेंद लेकर के युवा खिलाड़ी हैं हुसैन बॉलिंग पे। शॉट ऑफ द लेंथ, गेंद डायरेक्ट हिट। बचपन में लगता है निशाने नहीं लगाए हैं, वरना निशाना सटीक हो सकता था। एक रन आता हुआ इस एक रन के सहारे खाते की शुरुआत हुई है। अब्बास अब स्ट्राइक लेंगे। बॉलिंग कमान पे हैं हुसैन। क्या शानदार माहौल है खेल के लिए। पावर प्ले का खेल जारी है। हमारे अनुभवी खिलाड़ी बाहर से दिशा निर्देश देते हुए। क्या शानदार गेंद इस बार ब्लॉकहोल में बीट किया। कहते हैं क्रिकेट में कि परफेक्ट श्रीयरकर और सचिन तेंदुलकर, इनकी कोई सानी नहीं है क्रिकेट में। बेहतरीन मेजबानी देखने को मिलता हुआ बुरहान प्रीमियर लीग सीजन 2 का पहला दिन है आज। लाजवाब गेंदबाजी हुसैन की, क्या कहने। क्लीन बोल्ड किया आपने, पहले ही ओवर में कामयाबी दिला दी है हुसैन ने। एक रन पे एक विकेट इंदौर का। इस समय डगर आसान नहीं होने वाली। बुरहानी प्रीमियर लीग 2022। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती यह है कि इसमें अलग अलग प्रदेशों के स्टार्स आज हमारे भोपाल में मौजूद हैं और हम उनकी मेजबानी कर रहे हैं, उनका शुक्रगुजार हैं, उनका आलन वसालन जो अरबी में वेलकम को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी का। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर के देखना होगा हुसैन, नए बल्लेबाज आए खेलने। हुजेमा है नए बल्लेबाज खेलने के लिए। शानदार गेंदबाजी हुसैन की। युवा खिलाड़ी है हुसैन और लगातार राजा भाई दिशा निर्देश देते हुए वाइड का इशारा। और ग्राउंड नंबर 2 पे डॉट बॉल होती हुई। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं हुसैन इस समय। लाजवाब बॉलिंग हुसैन की। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे इस समय इनिंग के पहले ओवर में। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे है। एक शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड विकेट डीप में है। खेला इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ, फील्ड की जाए जब तक। अच्छे फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे सिर्फ 1 रन के लिए। क्रिकेट आजकल 3 डायमेंशनल खेल हो चुका है। तीनों ही डिपार्टमेंट पे आपको बेहतर करना होगा अगर आप बड़ी टीमों के तौर पे अपनी पहचान रखना चाहते हैं, चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग। तीनों ही विभागों में बेहतर करने वाली टीमें ही टाइटल जीतेगी। क्या शानदार अपील। और लीजिए पवेलियन में
थोड़ा वक्त लिया इस समय आशीष मिश्रा ने, पैनी निगाहें हैं इनकी। और लीजिए हुसैन, तो आज सातवें आसमान पे इनका इरादा है। कहते हैं कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय हुसैन। राजा भाई अपने जीवन में पहली बार इतना खुश हो रहे हैं, फिलहाल देखना होगा इस समय। फिलहाल दो रन पे दो विकेट, यकीनन तौर पे खुशी बनती है। प्रदर्शन जारी है। हुसैन ने प्रभावित किया अपने पहले ओवर में, क्या सटीक गेंदबाजी की। उसके आसपास ऐसी दिशा लेंथ है। इब्राहिम आए हैं इस समय गेंदबाजी कमान पे, देखना होगा इस समय इब्राहिम। देखना होगा क्या रणनीति रहती है इब्राहिम की गेंदबाजी में। पहले ओवर में सिर्फ दो रन, बहुत ही निहायत उम्दा गेंदबाजी। तीन रन आए हैं, माफी चाहूंगा, इंदौर तीन रन बना लिए हैं। चुनौती है 94 रनों की, बड़ी चुनौती। और WDZ नेटवर्क पे आप लाइव एक्शन देख सकते हैं इन मुकाबले का। बल्लेबाज अब नए आए हैं बीच मैदान में। तहा आए हैं अब नए बल्लेबाज, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी के खिलाफ सामना करते हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे हैं। खेला गेंद को क्या कहने, बेहतरीन शॉट इस समय। ये शानदार शॉट 6 रन के लिए वाइड स्मिथ विकेट के ऊपर से। ये मानो अब प्रतीकात्मक बदले की बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। काउंटर अटैक किया इस खिलाड़ी ने इंदौर के। तहा कप्तान इस समय होजेमा, कप्तान ने अब उत्तरदायित्व अपने कंधों पे ले ली है। फिलहाल इस समय वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोरबोर्ड पे 10 रन इस समय। दस रन बना लिए हैं इस समय। शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ। एक और लाजवाब शॉट 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 16 रन, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर्स कंप्लीटेड। 22 रन बना लिए हैं। शानदार बल्लेबाजी। और WDZ नेटवर्क हमारा बहुत ही विश्वसनीय। आशीष भाई लगातार शानदार कवरेज देखिए आप, क्लियरिटी देखिए इनकी कैमरे की। HD कैमरे हैं जो 360 डिग्री कवरेज की जा रही है। फिलहाल देखना होगा इस समय। रन आता हुआ इस समय। तेईस रन स्कोरबोर्ड पे। एक और डाउन द ग्राउंड इस समय शॉट खेला हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्ड की गई लेकिन मिस फील्ड। दबाव में आ रही भोपाल की टीम। राजा भाई की प्रतिक्रियाएं भी कम हो गई है अब। चौके छक्के लगते से होता है अमूमन। 27 पे 2, महंगा ओवर आता हुआ इस समय। इब्राहिम सिरका वाला, देखना होगा इस समय। 27 पे 2, इंदौर भी दमखम रखती है टीम वापसी करने की। फिलहाल इस बार शरीर से गेंद टकराई बगैर किसी रन के। मुकाबला दो दिग्गजों का है जनाब, इतना आसान नहीं होगा। भोपाल इंदौर दो बड़े शहर, बात करें मध्य प्रदेश के। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे है इस समय 27-2 विकेट पे। पूरी टीम बुरहान परमर लीग की।
बधाई के पात्र हमारे अली भाई, साथ ही साथ यूसुफ भाई, पूरी टीम इस सब मुफद्दल भाई और पूरी टीम जिस तरीके से कार्य कर रही है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज इवेंट। अब रहो हर पल खुश। आखिरी 30 गेंदों में 67 रन बनाने हैं, कमजोर दिल वाले मैच में देखें, 30 गेंदों में 67 की दरकार। दिलचस्प मुकाबला, बॉलिंग की कमान अब लेकर के हुसैन असगर। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का, अंपायर हमारे ऐसे वाइट देते आशीष भाई जैसे फ्लाइट लैंड करने वाली हो देवी अहिल्या एयरपोर्ट पे। फिलहाल वाइट के सहारे 28। बुमराह के अंदाज में बॉलिंग कर रहे, हवा में गेंद कैच कर लिए गए। हुसैन असगर के खिलाफ थोड़ी मुश्किल में नजर आई है टीम। शानदार गेंदबाजी, अच्छा बॉलिंग रन अप है, बेहतरीन गति है गेंदों में, और सबसे अच्छी बात अच्छी दिशा में बॉल को रिलीज करते हैं हुसैन असगर। युवा गेंदबाज है, युवा जोश है उनके अंदर, और लसित मलिंगा की थोड़ी झलक पेश करते हैं अपनी गेंदबाजी में। 28 रन 3 विकेट पे। अब्दुल कादिर अब नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान में, नए बल्लेबाज अब्दुल कादिर, देखना होगा इस सब। शानदार माहौल खेल के लिए। हुसैन असगर बॉलिंग कमान पे हैं, अब्दुल कादिर नए बल्लेबाज बीच मैदान में। हुसैन लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। देखना होगा इस समय, गेंद पहुंचे समय शॉर्ट पार्ले की तरफ। एक रन आता हुआ इस एक रन के सहारे, 29 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे। इब्राहिम भाई हमारे स्कोरर भी लगातार अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं, फिलहाल 29 स्कोरबोर्ड पे। देखना होगा इस समय, नो बॉल का इशारा इस समय अंपायर आशीष मिश्रा का। अच्छी गति है इनकी, गेंदें लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, आसान नहीं होता इस टेनिस बॉल में इस रफ्तार की गेंद को बड़े हिट लगाना, मुश्किलों में डाल रहे हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुसैन की, इंदौर को थोड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं अपनी शानदार गेंदबाजी से। 31 स्कोरबोर्ड पे। अब स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज अब्दुल कादिर। हुसैन बॉलिंग पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट स्क्वायर लेग डीप में गेंद को खेला इस सब। गेंद जब तक फील्ड की जाए स्क्वायर लेग की दिशा से, एक रन आता हुआ इस एक रन के सहारे 32 रन, 62 रन की दरकार है अब इस ओवर के बाद। अभी भी 4 ओवर का खेल आना शेष रहेगा। 26 गेंदों में 62 रन बनाने हैं। शानदार गेंदबाजी इस समय, चौथी कामयाबी, क्या कहने आज हुसैन असगर लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं अपने शानदार गेंदबाजी से। असगर ने अपना असर छोड़ा है आज बॉलिंग में और दर्शाया है कि क्या इस गेंदबाज की भूमिका और क्या शानदार इस समय।
एक और छक्का, इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन। एक और गगनचुंबी छक्का, स्कोर बढ़कर पहुंचा 64 रन। हुसैन ने अभी तक के 4 सिक्स पड़े हैं इस ओवर पे, बहुत ही ज्यादा किफायती ओवर नहीं था ये, खर्चीला ओवर कहा जाएगा। 24 रन दिए। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 64 रन। इसी के साथ एक रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 65 रन। सैफी टाइगर्स और नीमच का मैच चल रहा है वहां दूसरे ग्राउंड पे हमारे। बहुत ही अच्छी गेंद हुसैन स्टेशनरी की, एक रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 66। हुसैन अपने अगली गेंद, ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। बुरहानी प्रीमियर लीग 2022 का ये दूसरा साल लगातार बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। हुसैन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए और बहुत बेहतरीन शॉट, और ये गगनचुंबी छक्का इस्माइल के द्वारा मारा गया और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 72 रन। हो चुके हैं इंदौर के, 8 गेंद पे 22 रन बनाना है इंदौर को।
और शानदार शॉट दो फील्डरों के बीच में से चार रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 77 रन। छह बॉलों पे आखिरी ओवर है, छह बॉलों पे 17 रन बनाने हैं। हुसैन ने अपने इस ओवर में 12 रन दिए। बुरहानी प्रीमियर लीग का ये लीग मैचेस चल रहे हैं, इंदौर स्टार 11 वर्सेस एसएस क्रिकेट क्लब भोपाल, बहुत ही शानदार ग्राउंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तरह आज भोपाल में क्रिकेट का मुजाहिरा पेश हो रहा है। खूबसूरत सुबह क्रिकेट के लिए अच्छा वातावरण। बुरहानी प्रीमियर लीग 2022 हुसैन एक बार आखिरी ओवर लेके आए हैं टीम का और अपना। एक ओवर में 17 रन चाहिए इंदौर को यह मैच जीतने के लिए। हुसैन चिरपरिचित अंदाज के लिए जाना जाते हैं, ब्लॉक होल्ड ही होल्ड, यॉर्कर लेन की गेंदे करते हैं। वो अच्छे स्पिनर हैं इस टीम के। और ये बहुत अच्छी गेंद थी, फुल टॉस बनाई उसको, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। इंदौर का स्कोर अब बढ़कर एक रन की मदद के साथ पहुंचा है 78 रन, 78 रन, 5 गेंदों पे 16 रन चाहिए। और ये बहुत अच्छी गेंद हुसैन की, डॉट बॉल। अब 4 गेंदों पे 16 रन चाहिए, 4 गेंदों पे 4 चौके मारना अनिवार्य है इंदौर को अगर जीतना है ये मैच। और ये गगनचुंबी छक्का, 3 गेंदों पे अब 10 रन, बहुत ही रोमांचित मैच हो रहा है। 84 रन हो चुके हैं, 3 गेंदों पे 10 रन की जरूरत हुसैन को, भोपाल को, अगर ये एसएस क्रिकेट क्लब को, अगर ये 3 गेंदों पे इंदौर को 10 रन की जरूरत। हुसैन एक बार फिर अपने ओवर की चौथी गेंद लेते हुए, और ये वाइड गेंद एक्स्ट्रा भारी पड़ेगा भोपाल को इस लास्ट ओवर में। 9 रन चाहिए अब, स्कोर बढ़कर पहुंचा 85 रन, 3 बॉलों पे 9 रन चाहिए। और ये बहुत अच्छी गेंद बीट किया है, अपनी गलतियों को सुधारा वाइड को, बहुत अच्छी गेंद, 2 गेंदों पे 9 रन। और बहुत अच्छी गेंद हुसैन की, फिर डॉट बॉल। और अब असामान्य लक्ष्य जीत, बहुत मुश्किल, 1 गेंद पे 9 रन, क्रिकेट में संभावना अभी है बाकी। और ये 6 रन, लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ भोपाल एसएस क्रिकेट क्लब ने मैच जीत लिया है। बयानवे रन पर पूरी टीम, 3। और ये इंदौर और भोपाल के बीच में जो मैच हो रहा था, बुरहानी प्रीमियर क्रिकेट प्रीमियर लीग, हमारे दूसरे ग्राउंड पे दूसरा मैच चल रहा है।
उसकी अपडेट हम देते हैं आपको। हमारे ग्राउंड का दूसरा मैच चल रहा है। नीमच और सेफी टाइगर्स और नीमच के बीच में हमारा दूसरा मैच खेला जा रहा है।